जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। क्षमा नमस्ते। चाहता हूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ सेकंड कनेक्ट नहीं हो पाया। ये जो 5 दिन की हमारी जो चर्चा चल रही है उसके दूसरे दिन का हम प्रारंभ करते हैं। मेरा नाम उमेश है और मैं महाराष्ट्र से आपके साथ में जुड़ चुका हूँ। अभी कल की पूरी दिन की चर्चा भी जो मैं सुन रहा था, आज सुबह के जो रिफ्लेक्शन सेशंस को भी मैं सुन रहा था, और आप सभी लोगों की एक हिंदी की पकड़ और एक प्यारी हिंदी है ना, वो भी सुन रहा था। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरी जो बोली भाषा है, घर में हम जो भाषा बोलते हैं वो मराठी है, तो हो सकता है कि कुछ शब्द मैं कहूँ और कुछ शब्द जिससे आप परिचित है वो शब्द हम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मराठी पे मेरी उतनी कमान नहीं है, हिंदी पे उतनी मेरी कमान नहीं है, तो उसके चलते शब्द हम अलग हो सकता है। अब शब्द अलग अगर हुआ तो हर शब्द का कोई अर्थ होता है, लेकिन उस अर्थ को देखा जाए तो किसी वास्तविकता को इंगित करते हैं। तो जो भी आपके शब्द और मेरे शब्द, हम उन शब्दों के साथ अर्थ और अर्थ से उस वास्तविकता को अगर देखने जाए तो फिर वास्तविकता तो सभी के लिए एक ही होती है। जैसे एक शब्द है ना, शिक्षा, एजुकेशन। अब ये जो शिक्षा है, एजुकेशन है, इस शब्द को अगर हम 10 लोगों के सामने रखें तो 10 लोग उसके अर्थ अलग अलग निकाल सकते, लेकिन उसकी वास्तविकता अगर देखी जाए तो हमारा जो जीना है उस जीने की तैयारी के लिए जो सही समझ है, उस सही समझ जीने की तैयारी के लिए जो सही समझना है ना, वो शिक्षा है। क्या ये ठीक है कि हमारी जीने की तैयारी के लिए जो सही समझना है वो शिक्षा है? तो इस वास्तविकता को अगर हम देखें तो फिर वो शिक्षा शब्द या उसका अर्थ और वो वास्तविकता तक हम पहुंच पाएंगे। और जब भी मैं शिक्षा कहूंगा तो फिर हम सभी उस बात को देख पाएंगे कि शिक्षा का अर्थ ये होता है कि परिवार से हमें जो कुछ इनपुट मिल रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से टीचर्स के द्वारा हमें जो कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं, और पूरे समाज के द्वारा जो कुछ इनपुट मिल रहे हैं, जैसे इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, फिल्म हो, समाज के लोग हो, है ना, इनसे जो कुछ इनपुट मिल रहे हैं वो हर एक इनपुट के साथ उसमें से कुछ इनपुट को हम अपने में स्वीकार करते हुए अपनी जीने की तैयारी करते हैं। तो जो इनपुट हमें मिल रहे हैं तीनों भी स्तर से, समाज के, परिवार के स्तर से, समाज के स्तर पे, और शिक्षकों के द्वारा एजुकेशन के स्तर पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो उन सभी इनपुट को जोड़कर एजुकेशन कहा जा रहा है, शिक्षा कहा जा रहा है। क्या यह ऐसा शिक्षा को कहना ठीक होगा? जीने की जो तैयारी है उसके लिए जो सही समझना है ना, उसके लिए जो योग्यता को विकसित करना है, यह है शिक्षा। उसी शिक्षा के बारे में कल से हमने डिस्कशन शुरू किया था, और इसको अगर जोड़ के देखा जाए तो बेसिकली हम हमारी जीने की बात कर रहे हैं, हमारी जीने की तैयारी की बात कर रहे हैं। तो वो जो शिक्षा है, जैसे एक इनपुट भी किस तरीके से मिलते हैं उसको अगर थोड़ा सा देख लिया जाए तो बहुत अलग अलग तरीके से इनपुट मिलते हैं। जैसे एक इनपुट ये मिलता है कि पैसा ही सब कुछ है, अगर सब कुछ है ना, ये जब जोड़ जाता है पैसे के साथ में, तो फिर एक तैयारी भी हम जीने के लिए ऐसी करते हैं कि जितना भी पैसा है उसको ही संग्रहित कर ले, क्योंकि जितना पैसे को संग्रहित करेंगे तो वही सब कुछ है, तो संग्रह ही सब कुछ है। अब उसके साथ में हम जीते भी वैसी है, तो ये एक शिक्षा है ना, एक इनपुट। अब उसके साथ में एक दूसरा इनपुट कि सुविधा मानव की आवश्यकता है, लेकिन सुविधा के साथ संबंध ये बड़ी आवश्यकता है, और संबंध पूर्वक जीने के लिए और आवश्यकता से अधिक सुविधा के उत्पादन या उपलब्धि के लिए सही समझना आवश्यक है। अब ये भी एक शिक्षा हो ना, ये भी एक इनपुट ही, तो वो इनपुट, वो शिक्षा
जो मुझे मैं जैसा जीना चाहता हूं उसकी योग्यता को विकसित कर पाए, उसे कहा जा रहा है मानवीय शिक्षा। क्योंकि जैसा मैं जीना नहीं चाहता हूं वैसे अगर इनपुट आ जाए और उस इनपुट के साथ में अगर मैं जीने की तैयारी भी करता हूं, मैं जीता भी हूं, तो आउटपुट के रूप में क्या दिखता है, क्या निकल के आएगा? कि जैसा मैं जीना नहीं चाहता हूं वैसा मेरा व्यवहार होगा। लेकिन जैसा मैं जीना चाहता हूं, जैसा मुझे जीना सहज स्वीकार्य है, वो इनपुट, अब वो अगर इनपुट आ जाए, उसे हम कह रहे हैं मानवीय शिक्षा। वो इनपुट परिवारों के द्वारा बच्चों तक, समाज के द्वारा समाज के बाकी लोगों तक, टीचर्स के द्वारा छात्रों तक, इसका मतलब हर व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक। तो उस जीने की योग्यता को विकसित करने वाले, निश्चित आचरण से जीने की योग्यता को विकसित करने वाले जो इनपुट है, उसे कहा जा रहा है मानवीय शिक्षा। अब उस मानवीय शिक्षा के साथ हमारी तैयारी होगी, हम उस तरीके से जीने का प्रयास करेंगे। तो जीने की तैयारी जो है हमारी, जीने का हमारा जो प्रयास है, जीने के प्रति हमारी जो निष्ठा बनती है, स्वीकृति बनती है, वो संस्कार। तो इस मानवीय शिक्षा और मानवीय संस्कार के साथ एक मानवीय दृष्टि का बनना होगा। मानवीय दृष्टि के साथ हम मानवीय मूल्यों को पहचान पाएंगे और साथ ही साथ सही हुनर को भी अपने में विकसित करते हुए जो मानवीय समाज है, मानवीय व्यवस्था है, उसके निर्माण में हमारी भागीदारी कर पाएंगे। इसी को ही कहा जाता है न्यायपूर्ण पूर्ण और न्याय संगत समाज। तो ये जो मानवीय मूल्य है वो कैसे हो, अब उसमें भी एक चर्चा हो सकती है कि वो लोकल हो, वो संस्कृति के आधार पर हो, वो किसी एक रिच स्थल के आधार पर हो, वो किसी व्यक्ति के आधार पर हो, या वो सार्वभौमिक हो, ये तर्कसंगत हो, या इस तरीके से हो जाए कि जो भी कहा गया है उसे मानना है ना, कोई तर्क नहीं लगाना, लॉजिक नहीं है, रैशनल्स नहीं है, ये प्रमाण योग्य हो कि मैं जीना ना, मेरा जीना सबसे इंपॉर्टेंट है, केंद्र स्थान में मेरा जीना है, तो मैं जीकर उसको प्रमाणित कर पाऊँ कि जिस तरीके से मेरा जीना, मैं जीना चाहता हूँ उस तरीके से जीना हो रहा है, तो प्रमाण योग्य हो। ये संगीत में व्यवस्था के अर्थ में है ना, इसका अर्थ होता है कि हारमोनी के अर्थ में हो या डिसहारमोनी के अर्थ में हो, तो ये तो चर्चा हो सकती है। लेकिन इस चर्चा के अंत में तो यही दिखता है कि अगर हम मानव की बात कर रहे तो वो सार्वभौमिक हो। सार्वभौमिक का अर्थ होता है कि वो हर व्यक्ति के लिए समान रूप से एप्लीकेबल हो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, अगर हर व्यक्ति के लिए समान रूप से वो एप्लीकेबल हो, एक छोटा सा अगर उदाहरण लिया, आपको क्या लगता है, विश्वास के साथ आप जीना चाहते हैं या अविश्वास के साथ आप जीना चाहते हैं? तो उत्तर निकल के आता, मैं विश्वास के साथ में जीना चाहता। अभी ये विश्वास के साथ में जीने की जो चाहना है, ये बच्चे की भी चाहना है या नहीं है, जिसकी आयु में वो कम है, या जो मिडिल एज का व्यक्ति है उसकी भी ये विश्वास के साथ में जीने की चाहना है या नहीं है, बुजुर्ग की भी विश्वास के साथ में चाहना है या नहीं है। ये जो व्यक्ति है ये मध्य प्रदेश में रह रहा है तो भी वो विश्वास के साथ में जीना चाहता है, वो महाराष्ट्र में रह रहा है तो भी वो विश्वास के साथ में जीना चाहता है, उत्तर प्रदेश में है तो भी, और भारत के बाहर है तो भी। आज भी अगर हम पूछा जाए कि हम विश्वास के साथ में जीना चाहते चाहते या नहीं, बचपन में भी अगर हमें ये क्वेश्चन पूछते कोई, या आज से 30 साल के बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे, तो हमारा उत्तर क्या बने रहेगा? तो सार्वभौमिक का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति हर समय और हर स्थल पर हर काल में है ना, जो हमें सहज स्वीकृत है और जिसके साथ हम सहज बने रहते हैं, जिसके हम निरंतरता चाहते हैं, कर पाते हैं, वो सार्वभौमिक। तर्कसंगत का अर्थ यह है कि मैं अपने में उस प्रश्न को पूछ के अपने लॉजिक्स के साथ में, अपने रैशनल्स के साथ में उसको जांच परख करके देखूं
प्रमाण की युक्ति ये है कि मैं जीकर देखूं, जीकर प्रमाणित कर पाऊं। और संगीत और व्यवस्था के अर्थ में होने का अर्थ ये होता है कि जिस तरीके से मैं जीना चाहता हूं, वो मेरी जीने की जो चाहना है, वो चाहना की पूर्ति हो जाए। और करके पूरे दिन भर के चर्चा में हमने ये देखा था कि हम निरंतर सुख और समृद्धि पूर्वक, आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं। तो जो आनंदमय जीना मेरी जो चाहना है ना, उसकी पूर्ति हो जाए। उस पूर्ति के लिए कल के पूरे दिन भर के चर्चा में और असाइनमेंट्स में भी हम लोगों ने ये पाया कि इन तीन बातों की आवश्यकता है मानव चेतना में जीते हुए, मानव चेतना में जीने के लिए। वो है सही समझ स्वयं में, परिवार के सभी सदस्य के साथ में और सभी ह्यूमन बीइंग के साथ साथ में, सभी मानव के साथ में संबंध पूर्वक जीना, और आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन या उपलब्धि करना। ये तीन बात है। ये तीन बातों के साथ हम अपने में भी सुखी होकर दूसरों को भी सुख दे सकते हैं, अपनी भी समृद्धि को सुनिश्चित करते हुए कि जो प्रकृति की जो समृद्धि है उसमें भी हमारी भागीदारी कर पाते हैं। तो जो जीने से लेकर जो मुद्दे हैं, उसकी सही समझ को अपने में विकसित करना है ना, इसे हम प्रायोरिटी नंबर वन के रूप में देखें। अब सही समझना तो क्या क्या है जिसको सही समझना होगा, उसको अगर देखा जाए तो दिखता है कि मेरा जितना भी जीना हो रहा है, जितना भी मेरे जीने का फैलाव है, उस फैलाव की व्यवस्था को समझना, उस फैलाव की संगीत को समझना, तभी जाकर तो मैं पूरे में जी पाऊंगा। तो हम जीते किस कहाँ का, किस किस लेवल पर जीते, कौन से स्तर पर जीते हैं, तो अगर देखा तो दिखता है कि मैं एक मानव के रूप में जी रहा हूं। हम सभी एक एक इंडिविजुअल मानव के रूप में जी रहे हैं, लेकिन केवल हम इंडिविजुअल मानव के रूप में जी रहे हैं क्या? तो आंसर आता है नहीं, क्योंकि हम परिवार के सदस्य के रूप में भी जी रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि परिवार में भी सुख आनंद बना रहे, तो हम परिवार के एक सदस्य भी हैं। मैं और मेरा परिवार ये समाज का एक सदस्य भी है ना, समाज से हम दूर नहीं है। जैसे मैं घर के बाहर कदम रख दूं, जिसे अगर हम समाज भी कहे कि मेरे घर के बाहर जो है वो समाज है, तो जैसे मैं घर के बाहर कदम रख दूं तो सारा समाज दिखता है। तो समाज की व्यवस्था, समाज में जो संगीत है, उसे भी समझना आवश्यक है फिर। और मैं, परिवार और समाज है ना, ये प्रकृति का हिस्सा है। तो प्रकृति अस्तित्व में जो संगीत, जो व्यवस्था है, उसे भी समझना आवश्यक है। तो जितना भी मेरा जीने का फैलाव है, उस फैलाव की व्यवस्था को समझकर ही मैं पूरे में जी पाता हूं। लेकिन अगर ये जो मेरा पूरा जीने का फैलाव है, उसमें अगर मेरा जीना नहीं हुआ, तो वैसे भी तो मुझे अधूरा ही लगता है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर मैं केवल मेरे बारे में ही सोचता हूं, तो हम आनंद में जी पाते हैं क्या? परिवार के बारे में हम नहीं सोच रहे। मैं केवल मेरे और मेरे परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, भागीदारी करने का, भागीदारी कर पा रहा हूँ, लेकिन समाज में भागीदारी नहीं कर पा रहा हूँ। समाज से मैं, मेरा जो संबंध है, उसको नहीं पहचान पा रहा हूँ। क्या हम आनंद में रहते हैं? अगर मैं मेरी भी भाग अब स्वयं की स्वयं में भागीदारी कर पा रहा हूँ, मैं परिवार में भागीदारी कर पा रहा हूँ, समाज में भागीदारी कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रकृति के साथ ना मेरे कनेक्ट को नहीं पहचान पा रहा, तो भी लगता है कि कुछ अधूरा है। तो जो पूरा है, पूरे को समझकर पूरे में जीना, इसी को अगर आउटकम के रूप में देखा जाए तो निरंतर सुख पूर्वक जीना है। अगर हम हमारा जीना अगर देखा जाए तो हम दो संबंधों में हर समय जी रहे हैं। एक तो संबंध है मानव का मानव से, तो मेरा हर मानव के साथ में संबंध, और दूसरा मेरा शेष प्रकृति के साथ में संबंध। इन्हीं दो संबंध है, इन्हीं दो संबंध को समझना है ना, इसकी व्यवस्था को समझना, जिसे सही समझ कहा जा रहा है। ये जो समझ का आयाम है हमारा, वो हमारे विचारों के आयाम को गाइड करता है। तो हमने जो सही समझा, उससे हमारे सही संस्कार को डायरेक्शन मिलेगी,
और वो जो संस्कार के साथ में हम जीते हैं फिर, और उसी के आउटकम के रूप में उभय सुख और उभय समृद्धि। इतनी बात कल तक हुई थी, और इस बात को जब हम बड़े परिपेक्ष में, पूरे परिपेक्ष में देखते हैं, तो मानव अगर स्वयं में सही समझ विकसित करते हुए दूसरे मानव के साथ संबंध पूर्वक जीता है, तो उसके आउटकम के रूप में उभय सुख दिखता है, अखंड समाज दिखता है ना, कि हर व्यक्ति मेरे से संबंधित है, तो मेरे परिवार के व्यक्ति भी और परिवार के बाहर के जितने भी व्यक्ति है ना, वो भी मेरे जैसे मानव है, मैं भी मानव हूँ, हम संबंधी है एक दूसरे के। ये जो समझ है, इस समझ के साथ में जो अखंड समाज ना, उसकी उसको हम देख पाते हैं, उसको हम समझ पाते हैं। उसी तरह से जो सुविधा है ना, उस आवश्यक सुविधा की पहचान कर आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन करने हम जाते जब है, तब जो प्रकृति के साथ हमारे संबंध को पहचान पाते हैं, ये प्रकृति की जो बड़ी व्यवस्था है उसमें हमारी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाते हैं, और परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था तक, इसके आउटकम के रूप में हम सार्वभौम मानवीय व्यवस्था है ना, मानव लक्ष्य की पूर्ति को देखते हैं, और इन सभी को सभी के साथ में जीना, उसे कहा जा रहा है मानव चेतना में जीना। तो जो हम निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, उस निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए मानव चेतना में, मानव चेतना को अपने में विकसित कर पाए, मानव चेतना में हमारा परिमार्जन हो जाए, ये हम सबकी चाहना है। इतनी बातें कल तक हुई थी, इस बात से लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपके रिफ्लेक्शन है, तो हम उसको सुनना चाहेंगे। सभी के पास में माइक्रोफोन्स है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से ये जो 9 से 9:30 बजे तक हम लोग जुड़े थे, प्रेमलता उपाध्याय दीदी ये शेयर कर रही थी कि कल ये पूरी असाइनमेंट्स करते हुए ध्यान गया कि सारी समस्या तो मुझ में ही है ना, वो बता रहे थे कि वो जितनी भी समस्या का मैं मूल कारण ढूंढने के, तो ये दिखाई दिया कि मुझ में है। तो बेसिकली मैं सही समझ नहीं पा रहा हूँ ना, यही एक मूल समस्या दिखती है। अभी अगर देखा जाए, हमारी जितनी भी समस्या देखा जाए, तो वो 3 प्रकार की समस्या है। एक तो समस्या है सुविधा के अभाव से, शरीर के संरक्षण के लिए कपड़े नहीं, ये समस्या है, तो वो कपड़ों से ही पूरी होगी। दूसरी समस्या है, हम एक दूसरे के साथ में संबंध पूर्वक नहीं जी पा रहे, संबंध का निर्वाह नहीं हो पा रहा है। अब ये जो संबंध का निर्वाह न होने के कारण हम एक दूसरे के साथ में संबंध पूर्वक जी नहीं पा रहे हैं, ये जो समस्या है वो संबंध को समझ कर ही पूरी होगी। और अगर ये दोनों भी समस्या देखे ना, एक संबंध से रिलेटेड समस्या है, दूसरी है सुविधा से रिलेटेड समस्या, ये दोनों समस्या का समाधान अपने में सही समझ को विकसित करते ही हम निकाल पाते हैं। तो जिस तरीके से प्रेमलता दीदी कह रहे थे कि मुख्य समस्या है ना, वो मुख्य समस्या को हम अपने में सही समझ पा रहे हैं, वही दिख रहे हैं। उमेश जी, राजेंद्र जी नमस्ते। उमेश जी जी, अगर इंद्रपाल जी या गंगराडे जी कुछ कहना चाहें इस बात के पर, या अपने सब लोगों को, साथियों को कुछ कहना चाहें तो कहे जी, रहेगा जी। इंद्रपाल जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, स्वागत है आपका। हमारे पास कहने के लिए तो कुछ ज्यादा नहीं है जी। मेरे ख्याल में हम लोग बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं जी, और मैं अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा, पर मुझे लगता नहीं कि ये सही समय है। मुझे लगता है कि थोड़ा और हमारे सब साथी सुन लें, उनके कोई क्यूरियोसिटी हो या उनकी कोई ऐसी बात हो तो वो रखें, उसके बाद फिर मैं अपनी कोई बात कहूँ तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। मैं प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी उन्हें कुछ कहना हो
या उनके मन में ऐसी बात हो तो वो जरूर शेयर करें। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, नमस्कार सभी को। विषय बहुत अच्छा है सर, गहरा भी है, तो मैं मतलब पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से ये मतलब ये बस उस पे फीडबैक लेना चाहूंगा कि स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही, थोड़ा और आराम से, या रिपीटेशन और ज्यादा तो नहीं करना है, क्योंकि नई चीज है और विषय गहरा है, तो यदि मतलब ऐसा लग रहा हो कि और रिपीटेशन या ज्यादा बार में इस बात को कहा जाए, तो ऐसा यदि किसी को लगता है तो चैट बॉक्स में लिख के फिर अपन उस पे एक पोल रन कर लेते हैं उसके लिए। परीक्षित जी, वो यस नो वाला पोल रन कर लें। जी 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 जी, मतलब थोड़ा और लग रहा है कि विषय गहरा है और गहरी बातें हैं, तो वो उतर जाए सब अंदर तक। बिल्कुल ठीक बात है, उसमें थोड़ा सा हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ेगा टाइम को, तो अगर आप लोग उसमें सहमत हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो इनिशियल शिविर है ना, ये तो एक तरह से ट्रेलर का पोस्टर है, तो ये बात सही है। पिक्चर बाकी है अभी। जी जी, तो फिर ठीक है सर, आप अपने हिसाब से और जैसा समय के हिसाब से। जी, वो एक ये हम जरूर कहेंगे कि दो चीजें अगर सब लोग कर पाए, ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारा आप लोग को असाइनमेंट और वो सब दिया है, तो उसके अलावा अगर ये दो चीजें और कर पाए, एक तो जो भी पॉइंट्स आपको महत्वपूर्ण लग रहे हैं उनको कहीं नोट कर लीजिए, तो एक वो काफी उपयोगी रहेगा, अपने नोट्स में कहीं नोट कर लीजिए कि ये पॉइंट हमको ध्यान में आया एक्सेट्रा। और दूसरा जो बार बार बात हो रही है कि हमको स्वयं में जांच करना है, तो वो स्वयं में जांच जो है वो हमको सीधा सीधा चीजों को देखने का काम करना है, उसको कभी हम अगर कंपेयर करने लगें या कभी उससे अग्री हो जाएं, डिसअग्री हो जाएं, तो उससे बढ़ के अगर हम लोग उसको जांचने का, सीधा सीधा देखने का काम हम कर पाए, तो वो बहुत उपयोगी रहेगा। पर्टिकुलरली आज से जो बात होने वाली है मानव में व्यवस्था, तो वो बहुत उपयोगी रहेगा। और तीसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो बात रखी जा रही है वो एक क्रम से रखी जा रही है, तो जैसे आज की चर्चा जो है वो मानव पे है, तो हम अपने को जांचें विदाउट ब्रिंगिंग, मतलब हम किसी और दूसरे को बीच में ना लाएं। कल जो चर्चा होगी और परसों जो चर्चा होगी वो संबंध पे चर्चा होगी, मानव मानव संबंध पे, तब दूसरा जरूर आएगा कि हमारे घर में और लोग भी हैं और एंड सो ऑन। तो वो कल तक केवल और केवल अपने पे ध्यान केंद्रित करें, कल से परसों तक अपने और संबंध के, मानव मानव संबंध के साथ पे ध्यान रखें, और फिर परसों से जो प्रकृति है, अस्तित्व है, उसके ऊपर फिर हम लोग और ध्यान रख सकते हैं। तो इससे मतलब ये तीन बातें हमको सबको सजेस्ट करनी थी, तो इसके साथ उमेश जी फिर हम लौट जाते हैं आपके ऊपर। प्रवीण जी बताइए। हाँ, मैं एक चीज और जोड़ रहा था बस, कि अभी इसका क्या करेंगे, समाज में कैसे करेंगे, मेरी क्या भूमिका रहेगी और इसको कैसे चलाऊंगा, ये मैं सभी से आग्रह कि इस पे बिल्कुल अभी नहीं जाएं, वो हम आखिरी दिन बात करेंगे, ये अभी व्यक्तिगत है। जैसे इनको सुन रहा था, मैं नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक अच्छी बात की थी कि ये हमारे लिए है, अभी हमारी उन्नति, हमारी जागृति और हमारा क्या डेवलपमेंट हो सकता है, हमारी समझ कैसे बढ़ सकती है, उसके लिए है, तो इसको बिल्कुल अपने लिए लिया, अभी क्या करेंगे कैसे करेंगे ये बाद में देखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, हम वही बांट सकते हैं जो हमारे पास में है, जो हमारे पास नहीं है उसकी कल्पना जरूर कर सकते हैं लेकिन फिर बांट नहीं सकते उसको। तो प्रवीण जी बिल्कुल ठीक बात आपने रखी, तो अब हम लोग लौट जाते हैं, हमने 2-4 मिनट ले लिए हैं, तो उमेश जी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कम से कम 20 लोग ये कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी गति आराम से की जा सकती है, और 4 लोग का कहना है कि जो कुछ चल रहा है ठीक है, तो और गति को थोड़ा सा आराम आराम से करते हुए
गति को तो आराम से इसमें करने का अर्थ, गति को आराम से करने का अर्थ ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ में जितनी चर्चाएं करें, तो जितनी चर्चाएं बढ़ेगी उतनी गति कम हो जाएगी। तो जितने उसमें उमेश जी हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि दिन में जितना भी रख रहे हैं ना उसको शाम वाले सेशन में थोड़ा एक्सटेंड कर लें। शाम का लेट अस से 1.5 घंटे का टाइम है, उसमें से आधा घंटा हम लोग इसके लिए लगा लेंगे वस्तु के लिए, और ठीक 1 घंटा करीब थोड़ा सा एक्सटेंड तो हो सकता है जितने समय है उसके हिसाब से, लेकिन बहुत सारा एक्सटेंड तो थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि जैसे हमने कहा ट्रेलर का पोस्टर है ये तो, और जो आप लोग प्रोग्राम्स रन करते हैं बहुत सुंदर प्रोग्राम्स, उसमें भी ऐसे ही है, पहले 2-3 घंटे का, उसके बाद में 3 दिन का, एंड इस तरह से इस क्रम में चलते हैं। तो उसी सॉर्ट ऑफ क्रम में हम लोग भी को लगता है कि उसी क्रम में चलना अच्छा रहेगा, तो इसलिए दोनों का बैलेंस इंद्रपाल जी आप और प्रवीण जी डिस्कस करके, सत्य प्रकाश जी से सबसे डिस्कस करके आप लोग हमको बता देंगे, तो अगर एक्सटेंड करना होगा तो 1-8 दिन का एक्सटेंशन हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये ठीक अदरवाइज बात है कि हम लोग मतलब इसकी विस्तार से और अलग से एक सेशन रख के चर्चा कर सकते हैं, जिसको हम फेस 2 कहें, कि हाँ 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 जिनकी बिल्कुल इसमें रुचि बनी है या जो जिनको लग रहा है कि बहुत उपयोगी है ये, उसके लिए हम सर वो जो हम लोग चलाते थे वैसे भी हमारे यहाँ का, कि पहले 1 दिन का जिनकी रुचि बनी उनको 3 दिन का, फिर रिफ्रेशर या फिर मास्टर ट्रेनर 10 दिन का, तो उस ढंग से सर इसको डिजाइन कर लेंगे कि इसको और गहरी बात समझना है और जिनकी रुचि होगी और वो चाहते होंगे कि और इसको गहराई से समझना है, तो हम उसके लिए एक अलग से सेशन रखेंगे, ज्यादा बेटर बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। हम लोग का इसके बाद में रिफ्रेशर 1 होता है 10 दिन का, उसके बाद में 10 दिन का रिफ्रेशर 2 होता है, उसके बाद में 1 महीने का होता है, उसके बाद में और होते हैं, बट एटलीस्ट इतने तो सोच सकते हैं जो आगे का काम है। तो इसको 5 ही दिन का रखते हैं अभी, और इस समय का सदुपयोग हम लोग सभी करें। जी तो सर जी अब हाँ ये ठीक ठीक है है ठीक है ठीक जी सर है, इंद्रपाल जी नमस्ते। ठीक रहेगा? अभी हम लोग जो 5 दिन का रखा है सर इसको यहीं पर रखते हैं जो है, और वही इसमें वही वही कोई भी फेरबदल करने के मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, और इस चर्चा को भी मैं इतना ही कन्फाइंड रखना चाहता हूँ जो इन 5 दिनों के लिए हमने तय किया है। जी 5वें दिन हम इसमें और आगे क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, उस बिल्कुल बात को बिल्कुल शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एग्जैक्टली आपने मुझे मौका दिया है तो मैं अपनी एक बात और अपने सब साथियों से कहना चाहता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ अपनी बात, समय है सब लोगों के पास में? मैं बिल्कुल बिल्कुल 2-4 मिनट जरूर लीजिए हाँ बस 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। जी। जैसा कि कल ये चर्चा हुई थी कि हम लोग स्वयं को व्यक्तिगत रूप से परखें और देखें कि क्या हमारे चेक पॉइंट्स हैं और हमारी सही समझ क्या है, आज मैंने एक छोटा सा प्रयास किया खुद के लिए, प्रयास नहीं किया वो मतलब क्या कहना चाहिए कि ऑटोमेटिकली हो गया। मैं प्रतिदिन सुबह घूमने जाता हूँ और अमूमन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। आज मुझे लगा कि सब लोग बड़े मोबाइल से म्यूजिक व्यूजिक सुनते हैं, तो चलो मैं भी मोबाइल लेकर के चलता हूँ और उसे थोड़ा म्यूजिक में सुनता रहूंगा, घूमता रहूंगा, तो शायद ये ज्यादा रुचिकर होगा। और जैसे ही मैंने मोबाइल अपनी जेब में रखा तो मुझे लगा कि ये मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है, ये मेरे ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ गया है, तो मैंने मोबाइल को निकाल करके जेब से टेबल पर, फिर जैसे ही मैं बाहर निकला गेट के तो मुझे लगा कि मैं अपने मन की कहीं बात मान रहा हूँ, जब मैंने सोचा है कि मोबाइल को लेके चलना है तो मुझे मोबाइल को लेकर के चलना चाहिए। तो फिर मैंने मोबाइल जेब में रखा, थोड़ी देर मुझे असुविधा लगी, फिर मैं घूमता रहा, थोड़ी देर में मैं भूल गया कि मेरी जेब में मोबाइल है, मैंने उसमें गाना भी नहीं सुना, कुछ भी उसका उपयोग नहीं किया। जैसे ही मैं घर लौट के आया तो मैंने महसूस किया कि ये बेकार का एक लोड मैं अपने साथ में लेकर के गया, मैंने इसका कोई उपयोग नहीं किया। और फिर मैंने सोचा कि क्या ये मोबाइल मुझे लेकर के जाना चाहिए था अथवा लेकर के नहीं जाना चाहिए। और जिसको आपने बोलते हैं सहस्वीकृति, सहस्वीकृति से मुझे उत्तर मिला कि इस मोबाइल को साथ लेकर जाने की आवश्यकता नहीं थी, और इस विचार से ही मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। बस सभी के लिए मुझे यही बात कहना है, थैंक यू। बहुत अच्छा, मुस्कुराते रहिए।
सही डिसीजन लेने के लिए ये मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। ठीक है उमेश जी। तो और दो हैंड रेज दिख रहे हैं, गणेश कानडी जी, लखनलाल असाठी जी। नमस्कार सर, गणेश कानडे बोल रहा हूँ। नमस्ते। मुझे जो कल से आज तक जो एक बहुत ही अच्छी चीज समझ में आई है कि वो एक तो स्वयं की समझ को स्पष्ट करना है, समझ को विकसित करना है, और दूसरा हमारे जो संबंध है परिवार से, समाज से और प्रकृति से, तो उन संबंधों को कैसे निर्वाह करना है ताकि हम भी सुखी रहे और जिनसे हमारे संबंध है वो भी सुखी रहे। तीसरा हमें प्रकृति के में जो प्रकृति का उपयोग हम अपने उपभोग जो करते हैं तो उसके साथ भी हमारा एक संबंध है और वो संबंध भी उभयनिष्ठ संबंध बना रहे, प्रकृति भी बनी रहे और हम भी बने रहे, दोनों में बराबरी हो, और यही जो है हमें सच्चा सुख और समृद्धि दे सकती है। मुझे ये बात समझ में आई, मुझे लगा कि यहाँ रखना चाहिए जी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। लखनलाल असाठी जी का भी हैंड रेज है जी। सभी को शुभ प्रभात। नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। एक तो अभी सुबह जो 15 मिनट बातचीत हुई है 9:30 के बाद, उसको थोड़ा सा और स्लो वे में, हालांकि बात हो चुकी है, उसको 15 से 5 या 7 मिनट ज्यादा देंगे तो और फ्रूटफुल रहेगा। मेरा एक निवेदन था, उससे सेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 10-15 मिनट ही बढ़ाना है। टोटल दिन भर में आधा घंटे बढ़ता है तो सारी बातें हम लोगों को और थोड़ा सा गहराई से समझने में मदद मिलेगी। ठीक। दूसरा जो आपने बात की समझ के लिए, शिक्षा को लेकर मेरे मन का ये प्रश्न है, बार बार आता है और मुझे लगता है उसको कह देना चाहिए। जब हम इस तरह की शिक्षाएं, खासकर जहां नैतिक मूल्यों की बातें हैं, वहां इस तरह की शिक्षाएं मिलती हैं कि जो व्यक्ति है उसको कई तरह, अलग अलग तरह की शिक्षाएं मिलती हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वो 10 जगह 10-10 फुट के गड्ढे खोदता है और किसी में भी पानी नहीं निकलता। अगर एक जगह वो 100 फुट का गड्ढा खोल लेगा तो वो अपने लक्ष्य को पा लेगा। तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, हमें जो है, जो आप जैसे सदगुरु हैं, जब भी कहीं मिलते हैं तो वैद्य की तरह अपने खुद को रोगी मानकर और वैद्य की तरह उस पर विश्वास करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है जो इलाज है वो बड़ा सार्थक हो जाए। थैंक यू जी। बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से लखनलाल असाठी जी कह रहे हैं कि 10 जगह से हमें इनपुट मिलते हैं, लेकिन समाज में रहने वाला हर व्यक्ति अगर वो 10 जगह से आने वाले इनपुट को अपने में जांच परख करके अगर देखे, वो अगर उसमें योग्यता विकसित हो जाए कि मेरे लिए सही क्या है, परिवार के लिए सही क्या है, समाज के लिए सही क्या है, और पूरे राज्य के लिए, देश के लिए सही क्या है, तो वो सही और जो सही नहीं है ना उसमें भेद कर पाएगा। और जो सही होता है उसके साथ में जब हम जीते हैं तो उसी तरह से हमारा जीना सहज स्वीकृत भी है हमें, लेकिन जो सही नहीं है वो अगर हमारी इनपुट में कहीं आ जाए और उसको अगर हम मान ले तो फिर हमारे जीने में काफी अनिश्चितता बनी रहती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है कि जितना भी इनपुट है 10 जगह से आ रहे हैं, उससे अधिक जगह से भी आ सकते हैं, उन सारे इनपुट को हम अपने में जांच परख कर कर देखना कि मेरे लिए सही क्या है और सही क्या है, तब जाकर जो सही के साथ में हमारा जीना है वो जीना हो पाएगा। बहुत बहुत ही अच्छा इनपुट। और बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? कल की चर्चा को अभी हमने एक रिकैप किया, उससे लेकर या आप अगर कोई इनपुट कर देना चाहते हैं। बालवीर सिंह जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते जी। इसमें स्वयं की परखने वाली बात हमेशा मतलब मेरे जहन में रहती है, और कल की जो चर्चा हुई है कि सारी चीज पहले स्वयं
को ही हम खुद को ही देखें, उसके बाद बाकी सब छोड़ो अभी। तो मैं एक बात शेयर करना चाहूँ जो अभी मेरे साथ जो घटी है वो संबंध को लेकर है। जैसे अभिन कह रहे हैं कि संबंध पूर्वक निर्वहन करना, ये बात हम मतलब अपने परिवार में चाहे समाज में और अपने चाहे ऑफिस में कहीं भी हो, तो हमारे परिवार में एक छोटा सा एक बंटवारा का था, तो उसके संबंध में मैं गांव गया था और उस भाइयों के जो बंटवारे में थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि पिताजी मुझे इतना देना चाह रहे थे, वो बराबर बराबर लेवल का था, लेकिन हमारे जो भाई थे तो उनको लगता है कि इनको ज्यादा दे रहे हैं। अब मैंने जो समझ वाली बात हो रही, तो मुझे समझ में आया कि पिताजी इस एंगल से देख रहे हैं कि वो सारे मतलब जो बेटा है उनको बराबर हो जाए, और लेकिन दूसरे भाई दूसरे एंगल से देख रहे थे कि ये सर्विस करते हैं दोनों, जबकि पिताजी उस एंगल से नहीं देखे, पिताजी इस एंगल से देख रहे थे कि भाई चाहे कोई सर्विस करता हो चाहे कुछ करता हो। तो वो जो पिताजी के नजरिए से वो बटवा हो रहा थोड़ा सा हो रहा था, तो वो दूसरे भाइयों को उस पर थोड़ा सा लग रहा था कि शायद ये सक्षम है उनके लिए, ऐसा ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो फिर मैंने समझ अपने आप में थोड़ा सा मुझे अंदर से विचार आया, तो मैंने ही जो मुझे अमाउंट मिल रहा था तो उस मैंने कहा नहीं इसको मैं ऐसा चाहता हूँ कि इतना अमाउंट इनको ऐसा कर दिया जाए, और मुझे कोई इसमें नहीं, मैं सहज स्वीकृति से इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि संबंध पहले संबंध पूर्वक निर्वहन करना और संबंध पूर्वक हमारा जो प्रेम बना रहे वो महत्वपूर्ण है। तो ये विचार कब चलता रहा, जब मैं कल इस बात को लेकर के मैंने समझा कि पहले मैं खुद में इस बात को लाऊंगा तभी उसको रिफ्लेक्ट कर पाऊंगा। जी धन्यवाद, थैंक यू जी। बहुत बढ़िया बलवीर सिंह जी, कितना एक बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही। एक जनरली अगर देखा जाए तो बहुत सारे परिवारों में बंटवारे के चलते ना परिवार का टूटना हो रहा है। इसी एक सिंपल सा उदाहरण है, अगर मेरे दादाजी के पास में कोई 15 एकड़ जमीन थी और उनको अगर 3 बेटे थे तो 3 बेटों में बंटवारा हो गया, फिर 5-5 एकड़ ही बनी रही। अब हमारे पिताजी को अगर 3 बेटे है तो 5 एकड़ फिर 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो हम 3 भाइयों को अगर 2-2 भी बेटे हो जाते तो फिर अंत में अगर देखा जाए तो 4th-5th जनरेशन के बाद में ना कोई डेसिमल में ही लैंड बच जाती है हर एक व्यक्ति की। लेकिन जिस तरीके से आप देख पाए उस चीज को कि संबंध है ना, भाई के साथ मेरे भी संबंध है, आवश्यक मेरी जो हमारी अपनी जो सुविधा है उसको हम किस तरीके से जुटा पा रहे हैं, भाई की जो सुविधा है वो किस तरीके से जुटा पा रहे हैं, सोर्सेस क्या क्या है, और अगर हमारे पास में सोर्सेस सुविधा को उपलब्धि करने के अगर एक प्लस सोर्स है तो जो कुछ बंटवारा पिताजी ने भी किया है, पिताजी तो चाहते हैं कि समान रूप से बंटवारा हो जाए, लेकिन फिर भी हम उसको देख पा रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक मेरा जो है वो मेरे संबंध का निर्वाह करने हेतु संबंध के भाव के साथ है ना, भाइयों के साथ भी शेयर किया जा सकता है, साझा किया जा सकता है। इस बात से स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि जहां पर भी हम संबंध का भाव है वहां पर संघर्ष नहीं है, लेकिन जैसे ही वो संबंध के भाव का अभाव आ जाता है तो फिर वो संघर्ष दिखता है। अब अगर हम बस में भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं है ना, ट्रेन से भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी अपनी सीट को हम बुक कर लेते हैं और आराम वहां पर करते रहते हैं, लंबी जर्नी है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति दिखता है जिसके साथ हम अपने संबंध को पहचान पाते हैं, उनको अगर खड़े रहने के लिए जगह नहीं है तो बहुत बार ये हो जाता है कि हम अपनी सीट पे सिकुड़ कर बैठ जाते हैं और उनको भी कहते हैं कि आप भी बैठ जाइए। तो जो संघर्ष का जो होना है, इस आपका जो शेयरिंग रहा है ना, उस शेयरिंग से तो बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि संबंध के भाव का अभाव ही संघर्ष है, और हम संघर्ष में जीना चाहते हैं या हम अपने आप में सुख में जीना चाहते हैं, संबंध के भाव से जीना चाहते हैं या उस विरोध के भाव से। बहुत अच्छी शेयरिंग रही आपकी, थैंक यू सो मच। और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो अभी ये जो 3 बातें कही जा रही है, सही समझ, संबंध और सुविधा, इन तीनों बातों में सबसे इम्पोर्टेंट बात प्राथमिकता सही समझ की है। तो अगले 4 दिनों में, अभी से लेकर
पूरे चार दिन आराम 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 से हम लोग ये जो तीनों से भी बात करते रहेंगे, सही समझ, संबंध और सुविधा। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात सही समझ है, तो सही समझ के फोकस में ये संबंध और सुविधा, इसकी भी हम चर्चा करते रहेंगे आने वाले चार दिनों में। क्या ठीक रहेगा ऐसा?